ओके, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली जो टॉपिक है अपना वो है दैट इज मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स। ओके, सो अभी तक जितने भी सर्किट्स पढ़े हैं हमने सारे क्या है कंडक्टिवली कपल्ड सर्किट्स पढ़े हैं। ओके, कंडक्टिवली कपल्ड सर्किट का एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल सपोज फॉर एग्जांपल एक सर्किट लिया है हमने और उसके अंदर एक रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कंडक्शन के थ्रू हो रहा है। ओके, मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट का मतलब है दे आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड, फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। सपोज एक सर्किट है, सपोज देयर इज सर्किट सर्किट ए और सर्किट बी। ओके, दोनों में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अगर वो एक वायर से कनेक्टेड है, यहाँ से करंट गया और यहाँ से पाथ क्लोज पाथ है तो करंट आ गया। इट मीन्स दैट ए एंड बी सर्किट्स आर कंडक्टिवली कपल्ड। ओके, कंडक्शन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। बट अगर सपोज ये केस है कि देर इज सर्किट और ए सर्किट एंड देर इज ए बी सर्किट। ओके, अब ए सर्किट की वजह से बी सर्किट के अंदर वोल्टेज डेवलप हुआ है, या फिर बी सर्किट की वजह से ए सर्किट के अंदर वोल्टेज डेवलप हुआ है और दोनों आपस में डायरेक्टली कोई वायर से कनेक्टेड नहीं है, दैट इज ड्यू टू मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। वो कैसे हम देखेंगे, आप फिजिक्स पढ़ चुके हैं उसके ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका इसका है ट्रांसफॉर्मर। ओके, सी ये आपने पढ़ा है ट्रांसफॉर्मर के दो वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी एंड दिस इज माई सेकेंडरी। दे आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। वो क्या होता है, एक मैग्नेटिक कोर होता है उसके, इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इस कॉइल के साथ लिंक करती है। ड्यू टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन दिस सेकेंडरी कॉइल। तो ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, आपका बेसिकली कॉमन फ्लक्स की वजह से। ओके, एंड दिस सर्किट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स। ओके, ये सब है। अब दो टाइप के बेसिकली इंडक्टेंस होती हैं। इंडक्टेंस क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टेंस, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होती है वो अभी हम डिराइव करेंगे। ओके, सो लेट्स कंसिडर अ सर्किट। सी दिस इज अ सर्किट एंड दिस इज अ साइनोसॉइडल करंट सोर्स आई ऑफ टी। ओके, एंड ये कॉइल है। ओके, कॉइल है। अब इस कॉइल के अंदर एक इंडक्टर है ये मान लो। तो इस इंडक्टर के अंदर सपोज एक करंट फ्लो करेगा, दैट इज टाइम वेरिंग ऑल्सो फ्लक्स विल प्रोड्यूस। ये हम जानते हैं कि अभी एक कॉइल के अंदर एक करंट कैरिंग कॉइल विल इंड्यूस अ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, ये आप पढ़ चुके हो मशीन के अंदर भी। ओके, नाउ अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब फ्लक्स जनरेट होगा एंड दैट फ्लक्स इज सपोज फाई। ओके, फाई। ओके, सो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने क्या कहा है, इफ दैट द वोल्टेज इंड्यूस्ड एट दिस कॉइल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सी ये हमने पढ़ चुके हैं, वी इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। यू हैव स्टडीड दिस इन योर मैग्नेटिक सर्किट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। उसी को रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं। ओके, नाउ दिस वी इज बेसिकली वोल्टेज अक्रॉस दिस एंड इट डिपेंड्स ऑन एन डी फाई बाई डी टी। नाउ अब ये फ्लक्स को किसने जनरेट किया, फ्लक्स को जनरेट किया इस करंट ने। तो फर्दर फ्लक्स कैन बी रिटन एज दिस इक्वेशन, वी कैन राइट री राइट एज सी लाइक दिस, एन डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी आई हैव जस्ट मल्टीप्लाइड डी आई ऑन न्यूमरेटर एंड एंड डिनोमिनेटर। ठीक, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डी आई मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ सी दिस एन डी फाई बाई डी आई इज कॉल्ड एल इंडक्टेंस। ओके, दिस इज कॉल्ड इंडक्टेंस एंड दैट टू सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्यों, क्यों, क्योंकि आपका जो एक करंट फ्लो कर रहा है और ये फ्लक्स, ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है ये किसकी वजह से हुई है, लिंकेज ऑफ फ्लक्स ऑफ दिस कॉइल ओनली। मतलब इस ये कॉइल ने भाई एक फ्लक्स जनरेट किया फाई। अब ये फाई फ्लक्स ही वापस लिंक कर रही है किसके साथ, किस किस कॉइल के साथ, इसी कॉइल के साथ।
ओके सो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अ वोल्टेज विल बी इंड्यूस अक्रॉस दिस एंड दैट इंडक्टेंस दैट प्रॉपर्टी ऑफ दैट कॉइल इज कॉल्ड इंडक्टेंस एल एंड दिस इंडक्टेंस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ओके और एल की वैल्यू क्या है एन डी फाई बाई डी आई ये पढ़ चुके हो आप ठीक है और आप डायरेक्ट ये इक्वेशन भी जानते हो वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी ओके मैंने अभी डायरेक्शन नहीं लिया इसके अंदर ओके डायरेक्शन प्लस और माइनस इट कैन बी प्लस और माइनस वो कहाँ से कौन डिसाइड करता है लेंज लो ये आपने पढ़ा ओके दिस दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस बिकॉज इट रिलेट्स द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय टाइम वेरिंग करंट इन द सेम कॉइल ध्यान रखने वाली चीज़ है क्योंकि ये वोल्टेज डेवलप हुआ है इस जो इसी कॉइल ने फ्लक्स जनरेट किया और इसी कॉइल में वोल्टेज आपकी आई है दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ओके नाउ एक अनदर सर्किट लेते हैं दूसरा सर्किट लेते हैं सी दिस ओके दिस वन नाउ इसके अंदर आपको क्या करना है सपोज प्राइमरी दिस फर्स्ट कॉइल कॉइल वन फॉरगेट अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सपोज दिस इज अ क्लोज सर्किट ऑफ आई वन टी एंड दिस ओके दिस इन दिस कॉइल करंट आई वन इज फ्लोइंग सी अब इसकी और ये दूसरा जो सर्किट है उसमें भी कॉइल है ओके बट इट इज ओपन सर्किट मतलब इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा ओके नाउ अब इसकी वजह से एक फ्लक्स जनरेट होगा दैट इज सपोज फाई वन ओके टोटल फ्लक्स जनरेट हुआ फाई वन अब इसमें क्या हो रहा है एक तो ये फाई वन जो है दैट इज डिवाइडेड इंटू टू फ्लक्सेस फाई वन वन एंड फाई वन टू ठीक है फाई वन वन क्या है फाई वन वन इज द फ्लक्स दैट इज लिंकिंग टू द फर्स्ट कॉइल ओनली ठीक है ये 511 क्या है आपका जो सिर्फ कॉइल वन के साथ लिंक कर रहा है ओके नाउ देर इज एन अनदर फ्लक्स 512 दैट इज लिंकिंग टू बोथ कॉइल्स मतलब कॉइल वन के तो लिंक कर ही रहा है साथ साथ में यहाँ से जो ये शेप आ रही है कॉइल टू को भी लिंक कर रहा है सो टोटल फ्लक्स विल बी 511 प्लस 512 अगर आपको को पूछे कि कॉइल वन के साथ टोटल फ्लक्स कितनी लिंक कर रही है दैट विल बी इक्वल टू 511 और 512 ओके ये टोटल 51 बट कॉइल टू के साथ कौन कितनी फ्लक्स लिंक कर रही है सिर्फ 512 ओके ध्यान रखने वाली चीज़ है तो इसके अंदर जो फर्स्ट कॉइल के अंदर जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी दैट इज विल बी वी वी वन विल बी इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी एन कौन सा आएगा इसके नंबर ऑफ टर्न्स एन वन सपोज इस कॉइल के एन वन टर्न्स हैं इसके एन टू टर्न्स हैं तो एन वन डी फाई बाई डी टी ओके एन डी फाई बाई डी टी अब फाइव यहाँ पे क्या आएगा क्योंकि इस कॉइल के साथ टोटल फ्लक्स लिंक कर रहा है कौन सी 5-1 आएगा ध्यान रखने वाली चीज है तो जब सेल्फ इंडक्टेंस के केस में करेंगे तो दैट विल बी टोटल फ्लक्स 5-1 तो देखो वी इज इक्वल टू एन वन डी फाई वन डी टी ये हम डिफाइन कर चुके हैं पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू एल डी आई वन बाई डी टी भी लिख सकते हैं ओके नाउ दिस अब इस फ्लक्स की वजह से इस जो टोटल फ्लक्स है 5-1 इसका कुछ कौन सा पार्ट 5-1-2 पार्ट ही दूसरी कॉइल के साथ लिंक कर रहा है तो उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू अगेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी टू अ वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो लिंक कर रही है और लिंक कौन सी कर रही है 5-1-2 तो सो सी वी टू इज इक्वल टू एन टू डी फाई बाई डी टी और फाई कौन सा आएगा 1-2 यानी इसको अगर हम पढ़ेंगे कैसे फाई फ्लक्स दिस फ्लक्स इज बेसिकली इफेक्ट इज जनरेटेड बाई आई वन करंट ओके एंड इट इज लिंकिंग विद द सेकेंड कॉयल 1-2 ओके दिस इज हाउ यू कैन रीड द सबस्क्रिप्ट ओके नाउ अगेन वो हम फिर से कर सकते हैं वी वी इज इक्वल टू एल डी बाई डी आई वन बाई डी टी ठीक है मतलब वोल्टेज इंड्यूस जिस आई वन करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ और जो इंडक्टेंस आएगी दैट विल बी सेल्फ इंडक्टेंस ओके दूसरी अब इसके अंदर आप फिर से लिख रहे हो वी टू ओके अगेन डी 5-1 भाई 5-1-2 था मैंने फिर से डी आई वन और डी वन से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है फिर से डी आई वन बाई डी टी एज इट इज आ गया बट वॉट इज दिस दिस इज नॉट सेल्फ इंडक्टेंस दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ओके मतलब इस कॉयल के अंदर वोल्टेज इंड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस दिस आई वन करंट ओके और वो किसकी वजह से हुआ म्यूचुअल इफेक्ट यानी दोनों के बीच में एक फ्लक्स प्रोड्यूस जो म्यूचुअल है ठीक है एम वन जो एम फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस एग्जिस्ट कर रही है दोनों की वजह से ओके इफेक्ट ऑफ बेसिकली
दिस आयरन करंट ऑन द सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके, डेफिनेशन में भी और बता दूंगा आपको. तो यहाँ पे एम टू वन लिखा है हमने, ध्यान रखना वाला चीज है. व्हाट इज एम टू वन? एम टू वन इज बेसिकली द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकेंड कॉइल ड्यू टू द आई वन करंट. ओके, एम टू वन का ध्यान रखना. एम टू वन का मतलब क्या हुआ? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ विच कॉइल? सेकेंड कॉइल, ड्यू टू प्राइमरी करंट. ओके, और इसको क्या लिखोगे? अगर एम वन टू में कहूं तो एम वन टू का मतलब हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल ड्यू टू दी सेकेंडरी करंट, आई टू करंट. ओके, तो ये आपको सब्सक्रिप्ट पढ़ना आना चाहिए. ओके, और ये हम आगे प्रूव कर देंगे. एम वन टू इज इक्वल टू एम टू वन, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की बराबर होगी. ओके, सी, सो एम टू वन को अगर आप लिखना है, जैसे हम एल को क्या लिखते थे? एन डी फाई बाई डी टी. तो यहाँ पे एम टू वन को कैसे लिखोगे? देखो, एन को लिखोगे, एम टू वन में सेकेंडरी कॉइल है, तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके लोगे? सेकेंडरी कॉइल के. सी, एन टू डी फाई बाई डी टी, और फाइ कौन सी लोगे? जो लिंक कर रही, कॉमन फ्लक्स है जो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक कर रही है. ओके, तो ये फाइनली ये आ गया हमारा. दिस इज द ओपन सर्किट म्यूचुअल वोल्टेज अक्रॉस दिस कॉइल, दैट विल बी इक्वल टू एम टू वन डी आई वन बाई डी टी. सिमिलरली चलो दूसरा केस कर लेते हैं. इस बार हम सेकेंडरी साइड बेसिकली सप्लाई देते हैं, प्राइमरी साइड ओपन सर्किट करते हैं. फिर से सेम टोटल फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी इक्वल टू फाइव टू. ओके, और ये फर्दर दो डिवाइडेड होगा, फाइव टू टू और फाइव टू वन. फाइव टू टू मतलब जो सिर्फ इसी कॉइल के साथ लिंक कर रहा है, और फाइव टू वन का मतलब इफ फ्लक्स दैट इज लिंकिंग टू फर्स्ट कॉइल, और प्रोड्यूस किसने किया है? आई टू ने, इसलिए फाइव टू वन. ओके, सेम आ जाएगा. अगर इसका अगर डायरेक्ट लिखना चाहें, सेल्फ इंडक्टेंस लिखना चाहें, वी टू दैट विल बी सेल्फ इंडक्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू एल टू डी आई टू बाई डी टू. दिस इज माई सेल्फ इंडक्टेंस. ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगी? म्यूचुअल इंडक्टेंस ये इस कॉइल के अंदर हो रहा है, तो इसका टर्न नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? एन वन. और फ्लक्स कौन सी आएगी? डी फाइव बाई डी फाइव टू वन बाई टी टी. ओके, फिर डायरेक्ट हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं वी वन. वट इज वी वन? वी वन इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, और ये किसकी वजह से हुआ? इस म्यूचुअल इफेक्ट की वजह से. नंबर ऑफ टर्न्स कौन से लेंगे? एन वन. ओके, डी फाइव टू वन बाई टी टी, या फिर सॉरी डी आई टू बाई डी टी. ओके, एंड अगेन दिस वी विल बी प्रूविंग इन फर्दर लेक्चर्स. ओके, के बी एम वन टू निकालो या एम टू वन निकालो, दोनों बराबर होगी. और एम हमारी क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस है बिटवीन टू कॉइल्स. तो भाई याद करने का तरीका सिंपल. कैसे याद रखोगे इतना चीज़ें? सबसे पहले आपको ये याद रखनी है. ओके, देखो V2 अगर वोल्टेज निकालनी है, और ड्यू टू अगर प्राइमरी साइड में करंट फ्लो कर रहा है, ओपन सर्किट वोल्टेज है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? M21 लेंगे. ओके, और डी आई वन बाई डी टी. वी टू प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन किस करंट की वजह से? आई वन की करंट की वजह से. ओके, सिमिलरली इसके अंदर आप देख सकते हो M12 अगर इस फॉर्म में लिखना है, M12 है, अगर M12 है तो मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल है, तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके लोगे? फर्स्ट कॉइल के लोगे. N1 इनटू d521 बाय dt. ओके, फाइ टू का मतलब होता है फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड कॉइल एंड इफेक्ट ऑन फर्स्ट कॉइल. ओके, फाइ टू जो कॉमन फ्लक्स है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कॉमन फ्लक्स तो सेम रहेगी दोनों के अंदर, लिंक करेगी. ओके, तो सबसे ये आगे प्रूव हो जाएगा कि भी M21 लिखेंगे या M12 लिखेंगे. ओके, इतना ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको. जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप याद रह जाएगा. ठीक है, सो व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ वन इंडक्टर टू इंड्यूस अ वोल्टेज अक्रॉस अ नेबरिंग इंडक्टर मेजर्ड इन हेनरी. इंडक्टर का भी सो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी तो क्या था? हेनरी था. ओके, अब बेसिकली जो दूसरा चीज है कि भाई ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफॉर्मर का, इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा M12 या M21, वो सेम रहेगा. ओके, दिस इज म्यूचुअल इफेक्ट, और इसकी वजह से ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी. ओके, सो अब जो ध्यान रखने वाली चीज है कि डायरेक्शन.
मतलब आपका पॉजिटिव आएगा डायरेक्शन या नेगेटिव आएगा। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए तो अगर याद होगा हमने पैसिव साइन कन्वेंशन फॉलो किया था। पैसिव साइन कन्वेंशन क्या था भाई, अगर बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर ये, अगर आपको याद होगा, सी दिस इज माई इंडक्टर, दिस इज माई प्लस एंड माइनस वी, एंड दिस इज आई माई करंट आई। इफ आई इज एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल इट मीन्स वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा होता, प्लस से लीव कर रहा है, इसका मतलब वी इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट और मशीन के अंदर आप लेंज लो लगाते थे। ओके, नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहता पता चलेगा कि भाई दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों पता करने का मतलब, बेसिकली क्योंकि आप एक कॉयल को जब बेसिकली वाउंड करते हो तो उसको क्लॉकवाइज भी वाउंड कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी वाउंड कर सकते हो। तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है वो तो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर तो बंद है। ओके, एक कंस्ट्रक्शन जब होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर वाइंडिंग, नेचर ऑफ वाइंडिंग तो बेसिकली डिसाइडेड नहीं है। ओके, पोलैरिटी कैसे डिसाइड करोगे आप कि भाई ये प्लस के अंदर एंटर कर रहा है, ओके, और या फिर बेसिकली नेगेटिव टर्मिनल्स के अंदर एंटर कर रहा है। ओके, उसके लिए हम उस डायरेक्शन को जानने के लिए विदाउट मतलब कंस्ट्रक्शन में तो ट्रांसफार्मर क्लोज रहता है और वाइंडिंग भी क्लोज रहती है तो हमें पता नहीं है। उसके लिए फिर एक फिनोमेना हमने चुना है, दैट इज कॉल्ड दी डॉट कन्वेंशन। व्हाट इज डॉट कन्वेंशन? ओके, अब डॉट कन्वेंशन क्या है वो देखो। कंसिडर दिस फिगर। ओके, ये फिगर देखो आप, इसमें क्या करना है कि पॉजिटिव है, व्हाट इज एम इज माय पॉजिटिव और नेगेटिव, ये डिसाइड करने के लिए डॉट कन्वेंशन है। क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन में हम बेसिकली अंदर खोल के बार बार नहीं देख सकते, और सेंस ऑफ वाइंडिंग आप कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बेसिकली वाउंड कर सकते हैं, कोई एंटी क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये डॉट्स लगाने हैं यहाँ पे, देखो ठीक है। अब ये डॉट्स लगाने हैं, अगर करंट एक इसमें, सपोज जो कॉमन फ्लक्स है वो कौन सी है, दिस। ओके, ये फ्लक्स कौन सी है आपकी, सेल्फ फ्लक्स है। ओके, तो अब मुझे बताओ आई वन है वो इस डॉट के अंदर एंटर कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू डॉट कन्वेंशन अगर ये पॉलिटी हमने पॉजिटिव ली है तो दूसरे टर्मिनल पे जो डॉट लिया है उसकी पॉलिटी भी हमें क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव। ये बेसिकली पॉलिटी बताता है। अगर इसको मैं डिफाइन करूँ व्हाट इज डॉट कन्वेंशन, इफ ए करंट इज एंटर द डॉटेड टर्मिनल्स ऑफ वन कॉयल द रेफरेंस पोलरिटी ऑफ द म्यूचुअल वोल्टेज इन द सेकेंड कॉयल इज पॉजिटिव एट द डॉटेड टर्मिनल। ओके, या फिर दूसरा तरीका, अगर बेसिकली इफ ए करंट इज लीविंग, ये लीव कर रहा है डॉटेड टर्मिनल को, ओके, तो द रेफरेंस पोलरिटी ऑफ द म्यूचुअल वोल्टेज इज नेगेटिव एट द डॉटर टर्मिनल ऑफ द सेकेंड कॉइल। मतलब इसको नेगेटिव लेंगे तो इसको भी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा जब वो लीव कर रहा होगा तो। ओके, मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा आपको, है ना। तो डॉट कन्वेंशन बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इफेक्ट डाल रहा है कि भाई वो डायरेक्टली बेसिकली उसको ऐड कर रहा है, मतलब उसकी वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है या फिर कम कर रहा है, दैट विल बी डिसाइडेड बाई डॉट कन्वेंशन। क्योंकि भाई ये कंस्ट्रक्शन अंदर पूरा क्लोज पैक्ड होता है और हमें सेंस ऑफ वाइंडिंग कैसे वाउंड है, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक, हमें पता नहीं। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, डॉट कन्वेंशन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। सी दिस, चार एग्जाम्पल लूंगा सो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज डॉट कन्वेंशन। ओके, अब ये जानते हो कि वी टू इज इक्वल टू एम, करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में, दिस इज माय प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज माय सेकेंडरी वाइंडिंग। सो ढंग से समझना फिगर ए। ओके, प्राइमरी वाइंडिंग है, करंट आई वन जा रहा है और ये डॉट ऑलरेडी मेंशन है। ओके, मेंशन है आई वन करंट इसमें एंटर कर रहा है, तो डॉट कन्वेंशन मतलब एंटर कर रहा है, इट मींस इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो अगर ये डॉट पॉजिटिव है तो इस दूसरा जो डॉट है सेकंड, दैट मस्ट बी आल्सो बी पॉजिटिव। ओके, ये भी पॉजिटिव हो गया क्योंकि एंटर कर रहा है इसके अंदर। अब मुझे बताओ V2 विल बी द वोल्टेज इंड्यूस ड्यू टू दिस प्राइमरी कॉइल, आई वन करंट फ्लो कर रहा है तो हम कैसे लिखते हैं, म्यूचुअल इफेक्ट की वजह से, एम एम टू वन लिखो या एम वन टू, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम, इसलिए एम लिख रहे हैं हम एम। और किस करंट की वजह से हो रहा है, फर्स्ट प्राइमरी, तो डी आई वन बाय डी टी। ओके,
दिस वन। अब ये प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा वो देखना है। तो देखो इसने फिगर में प्लस माइनस v2 कैसे लिया है, प्लस माइनस, और इसमें डॉट भी हमारा क्या है, प्लस मैच कर रहा है, तो इट मीन्स इट इज पॉजिटिव m डिवाइडेड t। सी ओके, सेकंड फिगर कंसीडर करते हैं। तो देखो भाई मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, देखो m d1 by dt आएगा इसकी वजह से, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है क्योंकि करंट इसके अंदर एंटर कर रहा है, अभी हमने डॉट कन्वेंशन में बताया इफ करंट इज एंटरिंग इट मीन्स इट इज पॉजिटिव। ओके, तो ये डॉट टर्मिनल यहाँ पे उल्टा है, तो यहाँ पे ये टर्मिनल क्या बन गया हमारा, पॉजिटिव। अगर इस डॉट टर्मिनल को हमने पॉजिटिव लिया तो दूसरी साइड जो भी टर्मिनल है उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ओके, और अब वोल्टेज जो मेजर करी वो कैसी है, प्लस टू माइनस ऐसे लेते हैं, हाई पोटेंशियल अपॉन लो पोटेंशियल ऐसा है, तो इसका जस्ट उल्टा है, इसका मतलब ये क्या रहेगा, नेगेटिव। ओके, तीसरा केस, सेकेंडरी साइड हमने सप्लाई की अभी। ओके, वी आर सप्लाइंग सेकेंडरी साइड, फिर से वी वन की वैल्यू क्या आएगी, अब वी वन इज द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी साइड ड्यू टू द सेकेंडरी कॉइल, तो करंट जो आएगा डी आई टू बाई डी टी आएगा, और एम आएगा मेरा म्यूचुअल, ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, देखो वी वन अगर मैं लिखता इसमें, वी वन अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से लिखता हुआ आता एल इन टू डी आई वन बाई डी टी, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा होता तो वो भी इफेक्ट देख लेंगे, पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस देख लेते हैं। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके I2 करंट है, अब ये इस डॉट से लीव कर रहा है, देखो इस डॉट से अंदर एंटर नहीं कर रहा, लीव कर रहा है, इट मींस इट मस्ट बी नेगेटिव, है ना, लीव कर रहा है तो नेगेटिव, तो ये डॉट क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है और हमने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर प्लस माइनस लिया है, इसका मतलब अपोजिट पोलरिटी है यानी नेगेटिव। ओके, सिमिलरली एक और ही कंसिडर कर लेते हैं, इसके अंदर फिर से लीव कर रहा है, इट मीन्स डॉट की पोलरिटी क्या है, नेगेटिव, तो इधर भी डॉट की पोलरिटी क्या होगी, नेगेटिव, तो प्लस माइनस मैच कर गया तो प्लस एम। ओके, सो दिस इज द डॉट कन्वेंशन बाय विच वी कैन बेसिकली एनालाइज दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टर के अंदर करंट अगर डॉट के अंदर एंटर कर रहा है तो दूसरे सेकेंडरी साइड के अंदर वो जो डॉट एंटर कर रहा है मतलब वो पॉजिटिव है, तो दूसरा जो डॉट है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमें पता नहीं है। सिमिलरली अगर वो लीव कर रहा है, सी एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो दूसरा ऑटोमेटिकली, आप अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसको क्या लिख दो आप, ट्रिक सिंपल क्या करना है आपको, ये ध्यान रखना है, देखो मैं इसमें बताता हूँ आपको एक बार और फिर से, डॉट कन्वेंशन में बहुत कन्फ्यूज होते हो आप, अगर एंटर कर रहा है ध्यान रखो एंटर कर रहा है पॉजिटिव, और उस डॉट से बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव, तो देखो करंट कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, और मुझे इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले ओके, ये करंट डॉट के अंदर एंटर कर रहा है मतलब ये डॉट क्या बन गया, पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली जो इसकी पोलरिटी होगी वो दूसरे डॉट की पोलरिटी होगी, तो पॉजिटिव लिख दो इसको। अब ये पॉजिटिव कर गया, अगर ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव मैच कर गया तो प्लस एम। ओके, सिमिलरली दूसरे में देख लेते हैं अपने, फिर से डॉट अंदर एंटर करा तो ये डॉट क्या बन गया, पॉजिटिव, और यहाँ पे डॉट कहाँ दे रखा है, ये डॉट दे रखा है, तो ये भी क्या बन गया, पॉजिटिव। अब देखो मैच कर लो, ये प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस, तो जस्ट अपोजिट है, तो ये माइनस एम आ गया बस। ओके, और इस वाले केस के अंदर देखो डॉट से बाहर निकल रहा है करंट, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा तो दूसरा जो टर्मिनल है वो भी क्या बन गया आपका, जो डॉट वाला है वो नेगेटिव बन गया, मिसमैच कर गया तो नेगेटिव। ओके, दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली एनालाइज द साइन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके ओके, अब अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस एक सीरीज में बेसिकली इंडक्टर सीरीज में लगे होंगे तो इसकी वजह से इसमें इफेक्ट होगा, इसकी वजह से इसमें इफेक्ट होगा, दैट इज माई म्यूचुअल, तो वो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, वो देखो डॉट है इस कॉइल के अंदर, डॉट के अंदर एंटर कर रहा है, सेम ही करंट इस डॉट के अंदर एंटर कर रहा है, यानी दोनों में करंट साथ, और ये अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये बेसिकली ऐड हो गया, तो जो टोटल नेट इंडक्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस ट्वाइस ऑफ एम। ओके, अब इधर देखो इस एल वन के अंदर डॉट के अंदर एंटर किया है प्लस, ठीक है, तो ये मेरा प्लस है, ऐसे बन जाएगा प्लस माइनस, और माइनस प्लस यानी अपोजिट पोलरिटी हो गई, यहाँ डॉट के अंदर एंटर कर रहा है और इसके अंदर डॉट के अंदर बाहर निकल रहा है, अगर सेम केस आ रहा है तो पॉजिटिव और दोनों अपोजिट केस आ रहा है तो नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस एम आएगा, तो माइनस टू एम, अगर सीरीज दिस जो ये कनेक्शन है दैट इज सीरीज अपोजिशन, क्योंकि ये वाउंड क्लॉकवाइज की है तो इसने एंटी क्लॉकवाइज किया है इसको। ओके,
वो हमें दिख नहीं रहा, तो वो दिख नहीं रहा इसलिए हम डॉट से डिजाइन कर रहे हैं। तो जब भी एक मैन्युफैक्चर होगा वो डॉट देगा ही देगा वहां पे। ओके, तो अब आपको पता चल गया डॉट कन्वेंशन म्यूचुअल का, सेल्फ का, तो अब हम सर्किट एनालाइज कर सकते हैं आराम से। ओके, कंसिडर दिस सर्किट। अब मुझे केवीएल लगाना है। देखो अब ये दो सर्किट, दिस सर्किट फर्स्ट एंड दिस सर्किट सेकेंड, क्लोज है बट आपस में कनेक्टेड है क्या? नहीं है, तो हम केवीएल लगाना है। हाँ बताओ। सर ये जो ऊपर था उसके अंदर वो ये लीक बी कर रहा है या बी वाले एंटर में कर बात रहा कर है, रहे ये हो क्या? राइट वाले इनपुट में? देखो यस ये सर। L1 कॉइल के अंदर, मुझे मुझे आप बताओ ये इसके अंदर एंटर कर रहा है या फिर लीव कर रहा है, ये बताओ। इस कॉइल के अंदर एंटर एंटर कर कर रहा है, रहा है। गुड। ओके, फिर यही करंट आगे चला। अब इस कॉइल की बात करते हैं, अब इस कॉइल में डॉट कन्वेंशन से लीव कर रहा है या एंटर कर रहा है, आप बताओ। एंटर, एंटर पॉइंट कौन सा हुआ इसका? ए। ओके, और लीविंग पॉइंट कौन सा हुआ इसका? बी। यहां से जिस डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये बी पॉइंट से लीव कर रहा है और डॉट कहां पे है? बी पे है। ओके, तो यानी लीव कर रहा है भाई, इसके अंदर तो एंटर कर रहा है और इसके अंदर क्या कर रहा है? लीव कर रहा है, मतलब ये तो अपोजिट हो गई, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस एम लिया है। अब इसके अंदर देखो, फर्स्ट ए सर्किट के अंदर ये डॉट यहाँ था, यानी इस कॉइल के अंदर भी डॉट के अंदर एंटर कर रहा है। सिमिलरली इसके अंदर डॉट कहाँ है? स्टार्टिंग में ही है, तो इसमें भी एंटर कर रहा है, तो पॉजिटिव। ओके, तो करंट का कहाँ एंटरिंग और लीविंग वो डिसाइड करेगा डायरेक्शन, क्योंकि सेम डायरेक्शन चेंज तो हो ही नहीं रहा। डॉट आपने कहाँ रखा है? इस फर्स्ट कॉइल के अंदर डॉट रखा है आपने स्टार्टिंग में, यानी दरवाजे पे रख दिया, ठीक है, और ये एंड पे रखा है यहाँ पे, तो यानी दरवाजे पे नहीं है, ये बाहर निकल रहा है, तब उसको बेसिकली छुके निकल रहा है, समझ में आया? तो ये अपोजिट हुआ। ओके, अभी और एग्जांपल कर रहा हूँ तो मैं समझ में आ जाएगा। और देखो अब एडवांस वर्जन, तो आपका बेस तैयार हो गया। नाउ मुझे इसके अंदर बेसिकली केवीएल इक्वेशन लिखनी है, लूप फर्स्ट के अंदर और लूप टू के अंदर। सपोज, अब देखना ढंग से, सपोज ये एक ही सर्किट दिया होता आपको, तो इसके अंदर आप केवीएल इक्वेशन क्या लिखते? अगर याद होगी तो माइनस वी, लेट मी राइट दिस वन सेकेंड। देखो अगर सिर्फ ये एक ही सर्किट होता, कौन सा? ये वाला। ओके, इसमें क्या लिखते आप? माइनस वी वन, ओके, प्लस आई वन इंटू आर वन, ओके, और ये सेल्फ इंडक्टेंस का दे रखा है L1, तो ए प्लस L1 डी आई वन बाई डी टी, यही तो लिखते, इक्वल टू जीरो। ओके, बट इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I1, सिमिलरली एक सर्किट और दूसरा रखा हुआ है उसकी, उसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। अब मुझे बताओ इस I2 की वजह से एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, यानी इसकी वजह से एक फ्लक्स जनरेट होगा, वो इस कॉइल के साथ लिंक करेगा, तो इसका इफेक्ट भी इस पे आएगा। सिमिलरली इसके अंदर करंट जा रहा है, तो इसकी वजह से एक म्यूचुअल फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और वो इस कॉइल को इंट्रोड्यूस इफेक्ट करेगा, तो उसकी वजह से म्यूचुअल इफेक्ट आएगा, और वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें दे रखा है क्वेश्चन में M। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हम इफेक्ट उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, बट दे रखा है तो हमें कंसिडर करना है। ओके, नाउ तो सबसे पहले देखो सिंपल, वही केवीएल इक्वेशन लगानी है आपको। वी वन इज इक्वल टू आई वन आर वन, ओके, ये क्या आएगा? L1 डी आई वन बाई डी टी, ये तो आप जान चुके हो। अब एक आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस M, M डी आई टू बाई डी टी, मतलब इस करंट की वजह से इस पे इफेक्ट, तो डी आई टू बाई डी टी आया, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। अगर L1 है और DI1 आया तो सेल्फ इंडक्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब इस करंट की वजह से इस पे इफेक्ट, तो दैट इज, अब ये प्लस लिखा है इसने, प्लस आएगा या माइनस आएगा वो आप देखो। देखो करंट का डायरेक्शन मैंने ऐसे माना है कि इस डॉट के अंदर क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है, गुड। सिमिलरली I2 का डायरेक्ट क्या माना मैंने? इस सिमिलरली ये I2 भी इस डॉट के अंदर एंटर कर रहा है, यहाँ पे भी एंटर कर रहा है, यहाँ पे भी एंटर कर रहा है, मतलब सेम कॉम्बिनेशन है, तो M क्या आएगा? प्लस। बट अगर आपने इसको यू ना मान के केवल लूप को अगर अपोजिट मान लिया होता, सॉरी ये तो सेम ही है, अपोजिट का मतलब आपका इस डायरेक्शन में मान लिया होता, तो यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे माइनस एम आता, पूरी इक्वेशन चेंज हो जाती। ओके, नाउ देखो ये कहाँ लगा? इसके अंदर। अब मुझे बताओ इस लूप के अंदर आपकी अगर केवीएल इक्वेशन लिखना चाहोगे तो सेकंड लूप के अंदर वो क्या आएगी? देखो वी टू इज इक्वल टू आई टू आर टू प्लस आई प्लस L2 डी आई टू बाई डी टी। सी,
प्लस फिर से अब इसके आपके I1 करंट इस पे म्यूचुअल इफेक्ट डालेगा, तो M प्लस M आएगा फिर से। क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन आपने ऐसा माना है, इसके अंदर भी एंटर कर रहा है और इसके अंदर भी एंटर कर रहा है, तो प्लस M हो गया एक डिसाइड। भाई एक बार M हो गया डिसाइड तो वो इसके लिए भी प्लस होगा, इसके लिए भी प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस M, अब M के मल्टीप्लीकेशन में dI1 / dt आएगा, ध्यान रखने वाली चीज़ है। आप इसमें लिख रहे हो बट द इफेक्ट ऑफ द प्राइमरी करंट ऑन द सेकेंडरी, तो ये इक्वेशन आप आराम से लिख सकते हो आप। ओके, अब ये तो आपकी नॉर्मल टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप क्या करते हो? अगर याद होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम डेरिवेटिव को के लिए क्या लिखते थे? जे ओमेगा, अगर याद है तो। और इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते थे? 1/j ओमेगा, याद होगा तो। देखो I1 R1 है तो एज इट इज आ जाएगा, L1 तो एज इट इज है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? d/dt को जे ओमेगा। ओके, जे ओमेगा, तो देखो जे ओमेगा, L1 तो एज इट इज है और I1 बाहर है। सिंपली सिमिलरली d/dt को फिर से मैंने यहाँ क्या लिख दिया? जे ओमेगा MI2। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने कुछ नहीं किया, डेरिवेटिव को हमने रिप्लेस कर दिया जे ओमेगा से। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। ये आपको ऑलरेडी ही किसमें है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्वेश्चन में दे रखा है, इसका किसमें केवीएल लिखना है। चलो लिखते हैं, सबसे पहले इसमें क्या आएगा? वी, पहले केवीएल रूप में वी इज इक्वल टू Z1 प्लस जे ओमेगा L1 इंटू I1। इसमें डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्ट इसने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर दिया, तो ये इम्पीडेंस लिख रखा है इसने डायरेक्ट। ओके, ध्यान रखने वाली चीज़ है, इम्पीडेंस ने ही दे रखा है, तो हम इसको Z1 प्लस जे ओमेगा L1 इंटू I1 आ गया। अब मुझे बताओ इसकी इस करंट की वजह से इस पे इफेक्ट डालेगा म्यूचुअल? देखो ये म्यूचुअल इफेक्ट भी दे रखा है जे ओमेगा M, बट ये पॉजिटिव है या नेगेटिव वो देखना है। तो देखो करंट का डायरेक्शन I1 कैसा है? यहाँ पे किसमें? डॉट में एंटर कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे इसका देखो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ये चला डॉट से लीव कर रहा है, यहाँ एंटर कर रहा है बट यहाँ डॉट से लीव कर रहा है, यानी अपोजिट है, मतलब माइनस आएगा। सी, माइनस जे ओमेगा एम, और करंट कौन सा आएगा? I2। सिमिलरली सेकेंड लूप में लिखना है, सेकेंड लूप में अब बेसिकली कोई वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, तो सिंपल पहले केवीएल लगाओ। तो वो क्या लिखोगे आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो? तो ZL प्लस जे ओमेगा L2 इंटू I2, ये रहा। अब इसकी वजह से इस पे इफेक्ट वो आ चुका है, आपने कैलकुलेट कर लिया, साइन क्या आएगा? माइनस आएगा, चेंज तो होने वाला नहीं है, माइनस जे ओमेगा MI1। सी, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट अ केवीएल इक्वेशन व्हेन अ म्यूचुअल इफेक्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, ये है। अब इसमें बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको एनालाइज करना है इस सर्किट को, कि प्लस आएगा माइनस आएगा। अगर मैं इन दोनों सर्किट को ही पूरा अलग कर दूँ तो फिर कैसे, वो देखिए आप। सर हाँ बताइए। सर बताओ ये बताओ। जे ओमेगा एम इम्पेडेंस है? हाँ ये दे रखा है ना, देखो इम्पिडेंस ही बन गया ना, इसने अपने को फ्रीक्वेंसी, अगर आपको याद होगा जैसे ये आपका नॉर्मली देखो ये टाइम डोमेन में ये वाला क्वेश्चन, इसको ये टाइम डोमेन में हमने इक्वेशन लिख दी, अब इसको हम चेंज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो अगर आप R1 के साथ क्या ऐड होगा, देखो ये जे ओमेगा एल, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर इम्पिडेंस। जेड इज इक्वल टू, अगर एल इंडक्टेंस है तो उसकी, अगर अगर उसको ओम्स में कन्वर्ट करना है, एल का यूनिट क्या है? हेनरी। ओके, बट जेड का यूनिट हमेशा क्या होता है? ओम्स होता है, ठीक है, तभी ऐड हो सकता है डायरेक्ट। तो जेड इज इक्वल, हम क्या करते थे, एल को मल्टीप्लाई करते थे जे ओमेगा से, दैट इज माई इंडक्टेंस, इंडक्टर का ओम के अंदर यूनिट। ओके, सिमिलरली कैपेसिटेंस होगा तो वो क्या था? 1/ जे ओमेगा सी, दिस इज माई इम्पिडेंस इन ओम्स। ओके, ये एक प्रीवियस जब मैंने इंडक्टर और कैपेसिटर पढ़ाया था उसमें देखना। ओके, फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, तो अब ये ऑलरेडी मेरे को फ्रीक्वेंसी डोमेन में दे रखा है इसलिए डायरेक्ट ऐड कर दिया। ओके, इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी, अगर ये L1 दे रखा होता तो फिर मैं L1 dy/dt लिखता, I into Z नहीं लिखता। ओके, आप V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? I into Z। ओके, बट अगर ये जेड अगर ओम्स में नहीं है, इसमें है सिर्फ एल दे रखा है, तब मैं वी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? LdI/dt, जो मैंने यहाँ लिखा है। ओके, नाउ दिस इज द ट्रिक। ओके, इसको ओके सर ओके अब इसको एनालाइज करना है, कैसे कैसे करना है इसको ढंग से समझना।
जब भी आपको एक सर्किट दे रखा है, ये सर्किट दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बिना सोचे समझे ये L1 को सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर दो। L1 को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे लिखेंगे, जे ओमेगा L1। ओके, सिमिलरली L2 को क्या लिखेंगे, जे ओमेगा L2। लिख दिया अलग अलग। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट आएगा। उसको उसकी इफेक्ट को मैंने एक वोल्टेज में लिख दिया, वोल्टेज इफेक्ट आएगा उसकी, तो वोल्टेज इफेक्ट क्या लिखोगे, लिखते हो आप जे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो बाद की बात है, इसको सिर्फ सिंपल सो इसकी पोलैरिटी डिसाइड नहीं की है मैंने बी फिगर में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, क्या लिखते हो आप, जे ओमेगा एम इसमें लिख रहे हो, तो एम तो आ ही गया, अब किसकी इफेक्ट आएगी, आई टू की, तो देखो इसमें जे ओमेगा एम आई टू लिख दिया। सिमिलरली इस साइड जे ओमेगा एम तो आएगा ही, ये सेकेंड कॉइल है, सेकेंड कॉइल में किसकी इफेक्ट आएगी, प्राइमरी करंट की, आई वन की, तो जे ओमेगा एम आई वन लिख दिया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, सिंपल, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैं सर्किट को कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़े, ये ट्रिक लगा रहा हूँ मैं। जब भी ऐसा सर्किट दे रखा होगा, आप L1 और L2 ये तो चेंज होने नहीं है सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से है, तो इनको एज इट इज फ्रिक्वेंसी डोमेन में चेंज कर दो, जे ओमेगा L1, जे ओमेगा L2, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ आफ्टर दैट हमें एक पॉलिटी, बिना पॉलिटी बनाए आपको सिंपल एक वोल्टेज सोर्स बनाना है, पॉजिटिव नेगेटिव बाद की बात देखेंगे। पहले इस प्राइमरी साइड में जब I1 करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा जे ओमेगा एम। ओके, और करंट कौन सा होगा, ये वाला करंट I2, तो ये I2 आ गया। सिमिलरली ये करंट L2 है, तो यहाँ पे करंट क्या आएगा, I1, म्यूचुअल में उल्टा होता है, पता है ना, ठीक है। अब इनकी पॉलिटी कैसे डिसाइड करनी है वो देखो, उसको ढंग से सुनना। अगर इसके अंदर करंट एंटर कर रहा है, ढंग से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर इसके अंदर एंटर कर रहा है पॉजिटिव, इसके अंदर, ओके, तो जो दूसरा डॉट है उसमें से वो लीव करेगा, क्या करेगा, लीव करेगा, ढंग से सुनना ये ट्रिक है। इसके अंदर में अगर वो एंटर करेगा तो इसमें से क्या करेगा, वो लीव करेगा, वो लीव तभी करेगा जब मेरी पोलैरिटी कैसी हो, प्लस माइनस, तभी तो, सपोज एक वोल्टेज सोर्स लगाया जिसकी पोलैरिटी प्लस माइनस होगी तभी तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा। तो सी मैंने इसके अंदर एंटर कर रहा है तो ये डॉट के अंदर से बाहर निकलेगा, तब जब तब इसकी पोलैरिटी क्या होगी, प्लस और माइनस। ओके, सिमिलरली दूसरे में लगाते हैं, इसकी पोलैरिटी डिसाइड कर ली हमने, इसकी पोलैरिटी हमने प्लस और माइनस डिसाइड कर ली। ओके, अब इसकी करते हैं, देखते हैं। अब देखो इसमें से करंट कहाँ कर रहा है, ऐसे है करंट बाहर निकल रहा है, तो करंट बाहर इसमें से निकल रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए, अपोजिट एंटर करना चाहिए, तो एंटर करना चाहिए तो इसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस, ऐसे नीचे प्लस ऊपर माइनस ऐसे आएगा, तो ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, सी। ओके, इस वीडियो को वापस सुनना आप, अगर नहीं समझ में आए, वापस बता रहा हूँ मैं आपको कि ट्रिक क्या लगाई है मैंने, हमेशा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, एग्जाम्पल से समझा दूंगा मैं इसको, है ना। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, आप ये सबसे पहले L1 L2 है, इनको जे ओमेगा L1 और जे ओमेगा L2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक वोल्टेज सोर्स लगा दो, दोनों पोल विदाउट पोलरिटी अलग अलग, इसी के सीरीज में, सीरीज में लगा दिया मैंने, और उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी जे ओमेगा एम, ये वाले में है तो I2 का इफेक्ट, और इस वाले में तो I1 का इफेक्ट, लिख दिया। अब ये प्लस है माइनस को कैसे डिसाइड करोगे, सिंपल, देखो करंट का डायरेक्शन जो दे रखा है, ये डॉट में एंटर कर रहा है, डॉट में एंटर कर रहा है तो इसमें डॉट से बाहर निकलेगा करंट, तो वो बाहर तभी निकलेगा जब ये प्लस हो और ये माइनस हो, तभी तो करंट ऐसे बाहर निकलेगा, ओके, ऊपर की तरफ। सिमिलरली इसकी पोलैरिटी कैसी है, देखो अगर मैं करूँ तो इस डॉट में से बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए, एंटर करना चाहिए, एंटर करना चाहिए मतलब करंट नीचे की तरफ जाएगा, तभी जाएगा जब ये माइनस प्लस ऐसा होगा। ओके, चलो एग्जाम्पल से करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट, ये क्वेश्चन में दे रखा है फिगर ए, ओके, दिस इज गिवन, कैलकुलेट द फेजर करंट I1 एंड I2 इन द सर्किट। सबसे पहले आप देखो सारे यूनिट ओम्स में दे रखे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑलरेडी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मैं सर्किट बना लूं कौन सा, ये ट्रिक वाला। ओके, तो ढंग से सुनना, ये कॉमन म्यूचुअल फ्लक्स कितना दे रखा है, J3 ओम दे रखा है म्यूचुअल फ्लक्स। ओके, चलो
तो इनको बाकी को तो छेड़ना ही नहीं मुझे, ये जो जहाँ पे डॉट दे रखा है उनको चेंज करना है, तो ये डॉट यहाँ पे है, तो इसको आप क्या लिखोगे एज इट इज, देखो J5 एज इट इज J5 लिख दिया मैंने, फ्रिक्वेंसी डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं। अब म्यूचुअल फ्लक्स का जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो क्या आएगा, म्यूचुअल फ्लक्स M, इस कॉइल की बात करते हैं हम पहले, M अलग अलग से दिखते हैं, देखो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज J5, ओके, यहाँ पे दूसरा बना लिया, इसको क्या लिख लिया मैंने J6, ओके, डॉट अभी भूल जाओ डॉट लगाना नहीं है, और नीचे मैंने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया, ओके। अब इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, सबसे पहले इसकी वैल्यू होगी कॉमन एम म्यूचुअल फ्लक्स कितनी देर की, J3, तो J3, और ये किसकी वजह से होगा, I2 करंट की वजह से, तो J3 I2 आ गया यहाँ पे, ओके। इसमें फिर से म्यूचुअल फ्लक्स J3 है और वैल्यू कौन सी आएगी, I1, क्योंकि इसके अंदर करंट क्या फ्लो कर रहा है, I2, और इसके अंदर करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1। डायरेक्शन अभी एक बार छोड़ना है ना, वो अब मुझे इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा, ओके। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या कहा था, इस डॉट के अंदर ये करंट एंटर कर रहा है, ये देखो ये एंटर कर रहा है, ओके। तो इस डॉट में से क्या करना चाहिए, ये करंट लीव करना चाहिए, ओके। ये लीव तभी कर पाएगा, मतलब लीव तब करवाएगा जब ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, यानी ऊपर वाला प्लस होगा माइनस होगा, तो ये लो प्लस और ये माइनस, ओके, समझ में आया। सिमिलरली इसके अंदर देखते हैं, अब वन सेकेंड लेट मी रब दिस, ओके। अब ये करंट देखो I2 कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और इस डॉट से बाहर निकल रहा है, तो इस डॉट में क्या करना चाहिए, एंटर करना चाहिए, यानी नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस, तभी तो करंट ऐसे फ्लो कराएगा, है ना, दिस वन देखो। तो अब इस दोनों को इससे रिप्लेस कर दो, तो देखो बी सर्किट देखो, J5 एज इट इज और J32 J32, ये माइनस प्लस प्लस माइनस। अब आपको इन दोनों के बीच में म्यूचुअल लिखने की जरूरत ही नहीं है, वे कन्वर्ट हो गए, अब केवीएल लगाना है, केवीएल लगा लो, सिंपल, क्या आएगा, -12 -J4 I1 +J5 I1, ओके, -J3 I2, क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड में 12 I2 +J3 I -J3 I1 +J6 I2, बस I1 I2 आ गया, पोलर फॉर्म में इसको सॉल्व करना है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आपका आंसर आ गया, ओके, समझ में आया। ये सिंपल वाले में जो सर्किट है उसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है ना उसमें बहुत ये जो ट्रिक काम में आती है, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है थोड़ा और, कैलकुलेट दी मैस करंट इन द फिगर, मैस करंट कौन सा है, तो I1 और I2, एक डायरेक्शन इसने मानी है, अगर नहीं माने आप अज्यूम भी कर सकते हो, ठीक है, I1 इसने क्लॉकवाइज माना है, I2 भी क्लॉकवाइज माना है, और डॉट कन्वेंशन देखो आपने यहाँ दे रखा है इन दोनों के बीच में, और म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी दे रखी है, J2 ओम, ओके, J2 ओम दे रखी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें करंट लिख लो, ओके, सपोज इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर करंट कितना है, अगर अगर लिखना चाहें, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, इस कॉइल के अंदर करंट कितना, नेट करंट कितना है, अगर मैं डायरेक्शन ऐसा मानूं I1 -I2 सकता हूँ, नीचे की तरफ माना है मैंने I1 -I2, ओके, और इसके अंदर, इस इंडक्टर के अंदर करंट कितना है, I2, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये तो एज इट इज लिख ही लिया आपने, 4, ये आपका कैपेसिटर आ गया, ये टी पॉइंट बन गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मुझे बताओ, एक इंडक्टर बन जाएगा, और यहाँ पे एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा दो, ट्रिक बताया था मैंने आपको। सिमिलरली इसकी वैल्यू कितनी आएगी, J6, ओके, सिमिलरली इसकी वैल्यू कितनी आएगी, J8, डॉट हटवा दो, अब डॉट की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे फिर से एक डिपेंडेंट, और ये 5, ओके, दिस इज माई 5 ओम, और इसको भी कंप्लीट कर दो आप, ये बन गया, ओके, ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया ट्रिक वाला, 100 वोल्ट, ओके, एंगल 0। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आप जानते हो, एम इंटू करंट, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, लेट मी टेक डिफरेंट कलर, ओके, इसकी वैल्यू होगी एम इंटू
एम इंटू दूसरा करंट, दूसरा करंट इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई टू, तो एम आई टू होगा, समझ में, एम आई टू। इसकी वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू कितनी है, जे टू, ओके, एम की वैल्यू है जे टू। सिमिलरली लिख देते हैं, चलो जे टू लिख ही देते हैं, जे टू, ओके। इसकी वैल्यू क्या होगी फिर से, जे टू, अभी पोलर डिसाइड नहीं किया, जे टू इंटू करंट कौन सा, इस कॉइल के अंदर करंट जा रहा है, कितना जा रहा है, आई वन माइनस आई टू, ध्यान रखने वाली चीज है, आई वन माइनस आई टू, गुड, ये आई वन माइनस आई टू, ब्रैकेट क्लोज, ओके, ये पोलरिटी इसकी, और ये इसमें करंट जा रहा है आई वन, आई वन लिख दो इधर, और ये करंट है आपका आई टू। अब मुझे पोलरिटी डिसाइड करनी है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो देखो सबसे पहले ये आई वन आई टू इस डॉट के अंदर एंटर कर रहा है, ओके, आई वन माइनस आई टू एंटर कर रहा है, तो इसमें से क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए, लीव तभी कर पाएगा जब ये माइनस हो और ये प्लस हो, पोलरिटी देखो, तो ये माइनस हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली इसका देखते हैं, इसमें आई टू करंट इस डॉट से बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इसके अंदर क्या करना चाहिए, एंटर करना चाहिए, एंटर तभी करेगा ये माइनस प्लस हो, माइनस प्लस, बस ये सर्किट बन गया, आप केवीएल लगा लो, सी दिस सर्किट, माइनस प्लस जे टू आई वन माइनस आई टू जे टू आई टू, केवीएल लगा लो प्राइमरी में, अगर प्राइमरी रूप में इसके अंदर, अब इसके अंदर आप केवीएल लगाओगे तो क्या आएगा, 100 था, माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस 100 प्लस 4 i1 माइनस जे जे 3 i1 प्लस जे 6 i1 माइनस आई टू माइनस जे 2 i2, ये लिखा है यहाँ पे, ओके। सिमिलरली दूसरा लूप लगा लो यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, देखो आप लिखो तो j8 i2 माइनस, ये तो वोल्टेज सोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस जे टू माइनस है ना, ये रहा, ये माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस जे टू आई आई वन माइनस आई टू 5 i2, फिर यहाँ पहुंचे तो प्लस जे टू आई टू प्लस जे 6 i2 माइनस आई वन, सेकेंड इक्वेशन, ओके, बस खत्म। आई वन आई टू है, मैट्रिक्स फॉर्म से कर लो आप, मैट्रिक्स से क्वेश्चन में बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करना है, आई वन आई टू की वैल्यू निकालनी है, दिस इज दी आई वन माइनस आई टू, ओके। तो ये वाली जो ट्रिक है ये बहुत हेल्पफुल है, इसको इसमें फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप सर्किट में रख के आप एनालाइज कर सकते हो, ओके। तो इसको रिवाइज कर लेना एक बार, फिर भी कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली इसका एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर और म्यूचुअल इंडक्टर की वजह से एक एनर्जी स्टोर क्या होती है वो देखेंगे, और एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर देख लेंगे, तो वहाँ पर अपना ये फोर्थ यूनिट खत्म हो जाएगा, ओके। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।